जवाहर नवोदय विद्यालय जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि किस तरीके से प्रमोशंस आपके होते हैं, किस तरीके से आपके बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहती है। देखो, ध्यान में रखने वाली बात है कि पहले ये पोस्ट थी LDC, लेकिन अभी ये पोस्ट हो गई जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट आपकी कर दे, काफ़ी लंबा नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अब ये जो जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट कर दी गई है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ये आपकी होती है SSA का प्रमोशन आपका होता है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो प्रमोशन होता है वो आपका रहता है, जो कि 2400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट होती है। LDC 1900 ये आपकी कितने की ग्रेड पे की होती है, 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो आपकी रहती है। फिर 2400 से 4200 की जो पोस्ट होती है वो आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट की, आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट भी कह सकते हैं, या पहले ज़माने में जब LDC UDC रहता है तो इसको हेड क्लर्क कहते थे। बात समझ में आ गई? तो असिस्टेंट मान लो, हेड क्लर्क मान लो, ये कहीं ना कि आपका जो पोस्ट होता है वो 4200 का आपका जो पोस्ट होता है वो आपका रहता है। फिर 4600 में आपका हो जाता है वो, उसको कह देते हैं ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कह देते हैं। फिर 4800 में सेक्शन ऑफिसर कह देते हैं। इस तरीके से जो आपका प्रमोशन है वो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में रहता है, जिनमें से आप अगर आप बात करो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कितने साल में प्रमोट हो सकते हो। देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो, तो आप लगभग 4 साल में प्रमोट हो सकते हो। लेकिन अगर आपका ने ग्रेजुएशन नहीं किया, 10+2 किया हुआ है, तो फिर आपको लगभग 6 साल में भी ये जो प्रमोशन, इसमें आपको टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टाइम होता है वो आपका 5 साल लगता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से असिस्टेंट तक का। फिर उसके बाद असिस्टेंट से ASO तक का भी आपका जो आगे 5 साल लगता है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस पर्टिकुलर जहां पर रीजन में आप पोस्टेड हो वहां पर किस तरीके से आपका जो वैकेंसी है उस पर्टिकुलर पोस्ट में खाली। कई बार प्रमोशन आपका जल्दी भी हो जाता है, कई बार डिले भी हो जाता है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पोस्ट में वैकेंसी खाली है या नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में अच्छे से रखनी है। और बाकी अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी मन में क्वेरी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप पूछ सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एडमिट का रिजल्ट, कोई भी सर्कुलर न्यू जॉब्स के बारे में आपको एक से एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।